या आते ही पूरा ठंडा ठंडा हवा, ठंडा ठंडा हवा। तो ये है सुम्पी रिवर व्यू रिसोर्ट, लेकाबली में है, और इसके पास में ही एक आयरन ब्रिज है। देखिए, और ये बस आयरन ब्रिज वहाँ पे है, और आयरन ब्रिज को पार करते ही आपको राइट साइड में मिल जाएगा सुम्पी रिवर व्यू रिसोर्ट। बढ़िया हवा आ रहा है। तो गुड इवनिंग माय फैमिली मेंबर्स, आप सभी कैसे हो? आई थिंक आप सभी ठीक होते होंगे। बहुत दिन के बाद ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, और मैंने आप सभी को बहुत सारा ऐसे जगह पे ले गया था, स्पेशली धुंधला पे गया था, जहाँ उत्तर प्रदेश है वहाँ पे गया था, आगरा पे गया था। आगरा से फिर वापस आके मैं अपना राजस्थान से आया हुआ सार को पहुँचाने गया था मुर्गो से लेक ट्रेन स्टेशन तक, और वहाँ से अभी यहाँ पे लेकाबाली पे हूँ। तो राइट नाउ मैंने आप सभी को पहले भी ये जगह को दिखा चुका है मेरे पुराना यूट्यूब चैनल पे, लेकिन फिर से मैं यहाँ पे वापस आ गया हूँ और मेरे इस नए चैनल पे आप सभी को दिखाने फिर से यहाँ पे आया हूँ। और ये जगह मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ये कौन सा जगह है, सुम्पी वाटर व्यू रिजॉर्ट। बहुत बढ़िया जगह है, और स्पेशली ड्यूरिंग समर में तो बहुत बढ़िया हुआ यहाँ पे। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था, विजिट किया था इस रिवर सॉरी इस रिजॉर्ट को, तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब फिर से जब यहाँ पे वापस आके देखा है तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ बदल गया है। यहाँ पे शायद कुछ परफॉर्म किया था उन्होंने, स्टेज का फ्रेम बनाया यहाँ पे। जगह देखिए, बहुत बढ़िया जगह है, और ताज़ा ताज़ा हवा भी दे रहा है, और ये सभी माउंटेन्स पर देखो इतना घना जंगल है पास में। और इस रिजॉर्ट के जस्ट नीचे में ही आपको दिखाई देगा ये बढ़िया सा नदी। ये नदी का नाम क्या था? नदी का नाम गाय नदी ना? हाँ, ये ब्रिज है ना, तो ब्रिज ने नदी को बोल रहे, नदी गाय नदी ना। ऊपर में भी रिजॉर्ट है, गोगोले रिजॉर्ट। और गाइस यहाँ पे आपको अगर थोड़ा आगे जाने से आपको मिलेगा वहाँ पे भी रिजॉर्ट, गोगोले रिजॉर्ट है वहाँ पे, और मेसा रिजॉर्ट तो थोड़ा ऊपर साइड है, वो दूसरा आपको जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा आगे जाने से गोगोले रिजॉर्ट मिलेगा। और ये गोगोले रिजॉर्ट को मैंने अपने पुराना यूट्यूब चैनल में भी डाला था, और बहुत मज़ा है वहाँ पे भी, जगह बहुत खूबसूरत है, और आप वहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हैं। शायद आप लोग दिखा के नहीं देंगे, वहाँ पे एक मोटर बोट भी रखा गया है, तो मेरे ख्याल से आप वहाँ जाके मोटर बोट भी कर सकते हैं। और हाँ, वहाँ जाके मैंने नहाया था, नहाने का सुविधा भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पास में नदी है ना, तो इसीलिए आपको नहाने का सुविधा मिलेगा वहाँ पे। और ये भी बहुत सुंदर, और बैठने के लिए भी मज़ा लगेगा। वाह, सजावट तो बहुत सुंदर है, और सोफा भी। वाह, बढ़िया जगह है यहाँ पे। वाह, सोफा भी बहुत फ्रेश लग रहा है और सुंदर भी है। और ऊपर का सीलिंग भी बहुत बढ़िया से सजा है। यस, मैं बहुत सारा रिजॉर्ट तो विजिट कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज आके नोटिस किया है कि इस रिजॉर्ट में आपको बहुत साफ सुथरा दिखाई देगा, और साफ सुथरा तो है ही यहाँ पे, तो बस यही बात आप सभी को शेयर करने आया था। सुम्पी रिवर व्यू
रिसोर्ट, ये है मेन्यू और यहाँ पे ब्रेकफास्ट कोल्ड शेक हॉट ये सब मिलेगा, चिकन पोर्क चिकन चिल्ली ये सब वगैरह आइटम तो बहुत सारा मिलेगा आपको यहाँ पे। चिकन पोर्क चाइनीज ये सब मिलेगा आपको, बहुत सारा आइटम है तो यहाँ पे। गाइस ये है चौमिन पोर्क का, मजा ना। ये कच्चा वाला बनाना है तो इसको यानी हम दोनों नाम से ले जाएगा। पीछे बहुत सारा सामान है मेरा, कारक्सी को भर दो। ये गरम ही क्या तोरा नहाई गए रेपर बॉय अब इनको मानो के लिख दिल दे अब हक के तो नाम वसूल करना भी कह रहे अब जे वसूल से ओए। तो गाइस अभी लेकर वाली से पासीघाट वापस आ गए तो फिर यहाँ से यानी हम दोनों नामसाई की ओर जाएगा। तो मैं आप सभी को मेरे दूसरे ब्लॉग में मिलूंगा, तब तक के लिए स्टे सेफ ओके। सी यू नामसाई, नामसाई में मिलेंगे फिर जब बाय।